नहीं जा रहा था उसको। हाँ हाँ बहुत बहाने बनाए हैं मगर क्या क्या बहाने बना रहा था इधर नहीं आना बोलकर? कुछ ना कुछ तो करता था। क्या कर रहा था? आज नहीं कल कल परसों। और उसके घर में क्या कर रहा था? किरकिरियां भी लगा रहा था क्या? हाँ हाँ। जोर से बोल। हाँ। क्या क्या कर रहा था? महेश करता सब कुछ। क्या करता? झगड़े लगाता सब कुछ महेश करता। और क्या? उसके मर्द की कमाई धमाई की बरकत कौन उड़ा दिया? मैं नहीं। और क्या बीमारी लगा के मारने वाला था बच्ची को ये? उसके हाथ, उसके पैर काम नहीं करने वाले। अच्छा, सड़न गिरा देने वाला था। हाँ हाँ। कब गिराने वाला था ये? अभी अभी गिराने वाला था। अमास में पूनम में? अमास में। और क्या बीमारी लगा रहा था? और बहुत कुछ होते रहता है। अच्छा, तुझे कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रिस्तान से? मैंने लाया हूँ सलाम कालों के। सलाम कालों के। सब किया है, सब किया उसने। पर बात क्या है? पर बहुत कुछ किया है। बहुत कुछ किया है। तूने कितने लोगों को मारा अभी तक? मैंने बहुत लोगों को मारा। कितने इंसानों को मारा? हाँ, इसके घर से कितने लोगों को मारा तूने? बोल। इसके खानदान से बाप को मारा हूँ। किसके? उसके मेरे मर्द के बाप को। अच्छा, वो बच्ची के शोहर के बाप को मार दिया? कैंसल करके मार डाला। क्या नाम था? शहनाज बेगम के ससुरे को मारा तूने? हाँ हाँ। हाँ हाँ। कैसा मारा? इसको कलोगे को मार डाला। क्या करके मारा? उसको कैंसल करके पेट में गांठ होके मार डाला उसको। अच्छा, फिर उसके बाद में और किसको मारा? और किसको ना? अच्छा, अब किसको मारने वाला था? शहनाज को मारने वाला है? हाँ हाँ। बचते और बार बचते। अच्छा, तेरे को लाए थे कहाँ से? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से लाए थे? देखो, कब्रिस्तान से। कौन लाया था औरत ने? आदमी ने? आदमी ने। क्या नाम था उसका? उसका नाम सलाम है। सलाम। कहाँ रहता वो? वो निंगरी में रहता है। अच्छा, जादू चलाते टाइम शहनाज का क्या लेकर गया था? कपड़ा। कौन से वाला? काला कपड़ा। तुझे जाने तो नहीं देते? तुझे अब तो जाने का हुक्म नहीं दिया, बहुत मारेंगे तुझे। आओ, जकड़ो उसको तेज से। कहे का कपड़ा लिया था? ड्रेस का कपड़ा। कौन सा ड्रेस था वो? काला ड्रेस कपड़ा लिया। शर्ट था, पैंट था? शर्ट का। उसके बाल, उसके पैर की मिट्टी। अच्छा, कौन लेकर गया था ये औरत आदमी? कौन मिले अली उसके साथ में? औरत। कौन है वो औरत? कौन है वो? क्या औरत है? क्या नाम है उसका? औरत मरियम है। मरियम है। क्या दुश्मनी थी इसी? मरियम उसकी खानदानी दुश्मनी। इस बारे में किस चीज की दुश्मनी थी वो? उसके जमीन के नफरे। उसके जमीन के नफरे। अच्छा, शहनाज के ससुरे को क्यों मारे कैंसर करके? उसके जमीन के लिए। हाँ, उसके जमीन के लिए। उसका क्या लेकर गए थे जादू करने के लिए? उसके लुंगी का कपड़ा। कब चुराए थे? कितना टाइम होगा तो चुरा कर? बहुत साल है उसको। औरत लेके गई थी, आदमी लेके गया था? आदमी लेके गया था। उसकी माँ। उसकी माँ। क्या नाम था उसका? जादूगर को कितना रुपया दिए थे उसको जान से मारने के लिए? उसको लाख रुपए दिए थे। लाख रुपए दिए थे। और शहनाज को मारने के लिए कितने रुपए दिए? उसको भी लाख रुपए, दो लाख रुपए दिए थे। मगर मरते नहीं हो, मरते नहीं। अच्छा, तू उसको मौका देख कर जाने वाला है क्या? हाँ, बहुत कोशिश करता हूँ। तुझे अम्मास में मौका मिलता क्या? पूनम में मिलता उसकी जान लेने का? अम्मास में। अम्मास में मतलब जादू अम्मास में चलाने वाला है वो? उसने पूरा घर बर्बाद किया ना। बर्बाद किया। जलाओ उसके अंदर, आग लगाओ तेज से।
بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا نجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ شديدا وشهبا شهبا وانا قد ناخذ من حمر قد للسميع فمن يستمع الان يجد له شعبا رصدا وانا لا ندري اشياء مرد بمن في الارض اما اراد بهم ربهم رشدا اما اراد بهم ربهم رشدا وانا من الصوم دون ذلك كنا طرائق قيدا وانا ظننا لن ينزل الله في الارض ولن يضحر وانا ظن سمينا دون امنا بهم فمن يمر بفلاف بثم الرحك وانا من الرسل قد فمنا سلما فمن يمر بفلاف بثم الرحك فمن من ربي فلقد بصم الرحد وان من المسلمون من القاسطون فمن اسلم فاولئك تحرم رشد الحتاب والله استحام على الطريقه لا اسحي من قد دخلتم فيه ومن يورز عن ذكر رب الزهو ومن يورز عن ذكر رب الزهو هو عذاب سعد وان المدد الى الله فرد من الله احد وان المقام عبد الله ينتظر يكونون عليه لي بعد قل انما ربي ولا يشرك بي احد قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يطيعني من يدعو الله انت من دون الله مطاع احد الا بلغا من الله ورسالاتي ومن يصل رسوله فان الله جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا ارمت الفاس يعلمون من ندى فنصر قل ادع عدا قل ان ادري يخرب ما تؤدون بيدي اللهم ربي عم الداعي عالم الغيب ولا يعلم الغيب احد الا من تضمن رسول الا من تضمن رسول فانه يصل من الا من ارتضى من رسول فانه يصل من بين يديه من خلفه رصدا ليعلم من خد ابلغ رسالات رب واحد بمرض مصر كل شيء عدا عدا جاو اسكن نتيجه سيان لگاو जलाओ उसको और तेजी से जलाओ उसको और तेजी से इसका नाम लिया ना अभी इसने वो आदमी ने इसके मदद का 500 रुपए का कुछ जगह उसके नाम पे कर लिया है कुछ जीसी लग गया कब की बात है अभी एक महीना हो गया आई होती है कि तुम लोगों ने देखो नहीं ये दोनों मैं अभी भी साथ में नहीं 9 साल से दोनों में झगड़ा है और जिसने लेके कौन होते हम उन्हें मेरे नहीं कौन है क्यों रे इसके मियां बीवी में क्या झगड़े लगा था तूने 8-9 साल से बच्चे हां जोर से बोला दो टुकड़ों में चीर दूंगा नारा झगड़ा कुत्ते से क्या कर रहा था तू क्या कर रहा उसके मियां बीवी में झगड़े लगाया था हां कौन बोला था झगड़े लगाओ बोलकर मैंने भी लगाया था ना हां
तो घर बर्बाद करने का बर्बाद तो हुआ। हाँ और अभी इसकी बाड़ी है। हाँ इसके मरत की करोड़ों की जमीन को लिख के ले रहा फ्री में वो। तो सलाम ने दिया कैसा क्या ले रहा उन्हें। अरे कुछ भी कर सकता उसने भी कुछ जादू किया क्या उन्होंने क्या करा क्या करा उसको खिलाया टाइम में मिलाकर उसको चक्कर खिलाया टाइम में चक्कर खिलाया कितना टाइम और खिलाकर उसको अभी अभी उसकी जमीन लिया ना जब खिलाया चक्कर कहाँ खिलाया उसको उसके घर पे काय में मिलाकर चार में मिला। अब क्या उसको मारने की तैयारी कर रहा क्या उन्हें उसकी जमीन लेके पकड़ में लिखा के अब तुझे क्या बोला था दोनों मियां भी झगड़े लगा बोला था आदमी का नाम लेना वो आदमी उसको लेके गया था जगह लेने के बाद और दो दिन के बाद लाके छोड़ा और आज उसको अटैक आया था और किधर आए तो फोन आया था इसको आधा घंटा पहले। अब रे इसके मरद क्या नाम है उनका शुक्र शुक्र को अटैक क्यों आया ऐसे ही क्या किया उसने क्या गेम चल रहा है ये सही बता कुछ नहीं जकड़ो उसको तेज से आग लगाओ उसके अंदर बता क्या गेम चल रहा है शकुर को कौन मारना चाह रहा मर, मर, अच्छा तेकू बोले हुकुम दिए उसको मार कैसा मारने वाला था तू उसको उसको आठ कौन बोला उसको मारो बोल के उसने बोला किसने उसके सलाम ने बोला सलाम बोल रहा और क्या बताना था कमर का थोड़ा तकलीफ है मुस्तफा के कमर में तकलीफ क्यों है मुस्तफा के कमर में तकलीफ क्यों है सही बोल उस पर कोई जादू की है क्या कहीं का है दवा खाने का जादू का है नाम मत बोल उस पर कौन जादू किया खाली किया हुआ है या नहीं किया हुआ इतना बता नया है पुराना है जादू पुराना किस मकसद से करे थे इसकी बर्बादी और उससे कुछ करना नहीं करना नहीं कैसा करना तेरे को मार के पूरा भस्म कर देना कि क्या करना क्या करना तेरे साथ में बोला जकड़ो उसको और तेज साथ में इसको जो खिलाया वाला है तो इनका क्या नाम शहनाज बेगम को जो खिलाया उसने तो कहीं में मिला खिलाया था दवा कहाँ बटी अली इसके दिमाग में पेट पे कलेजे पे कहाँ है जल्दी ना तो काट के भस्म कर दूंगा चलो जकड़ लो इसको और तेज साथ में बोल अब इज्जत से जाता या तेरे पूरा जला के राख करना या तेरे उतारे करूंगा चालू तो फिर तेरे पूरे शक्तियों को खत्म करा दूंगा अगर तुझे जाना है तो सही सही वादा कर और छोड़ के उसको निकल जा सुना कि नहीं तो समझ में आ रहा कि नहीं जल्दी बोल क्या पूछा मैं जा रहा उसको छोड़ के क्या उतारे करा करा सब जला कर आप करो कौन
कुछ नहीं कर सका अभी तक। अच्छा इसका मतलब तू जाता नहीं थी, कुछ लाना पड़ेगा फिर अमल करके। ठीक है चल हमारा होने वाले अमलों की तैयारी में आ जाओ, जकड़ लो इसको, लाओ जंजीरें डाल के इसको जकड़ के रखो इसको, और इसको अमल के अंदर का मार मार के जला जला के राख करो उसको कम बखत, उसको जान लूं क्या बताओ कैसे रहते, तो उसके बाप का राज चल रहा है लोगों को तो परेशान करने को, जाना लेने को, जकड़ कर उसको मार दे रहा उसको खूब तेज, जिससे एक जगह पुतले को समझ बैठ रहे आगे आके हमारे लिए आते हैं, जकड़ो उसको और तेज से। जो मेरा जुम्मा हफ्ता है तो चार दिन देखते कभी भी आता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है कितने बजे पहुंच रहे? ठीक है चलो आ जाओ इंशाल्लाह। कहाँ से आए थे? रायगढ़ कहाँ था? ये बम्बई में, बम्बई से भी 200 किलोमीटर गोवा रोड को आता है ये, गोवा पानगांव आते हैं उधर से 50 किलोमीटर अंदर ही रायगढ़ के। और क्या बोलते तो वो तुम्हारे खैर ये जो दास्तान है ये कहीं से लगा हुआ जिन्नात लगे वाला शैतान लगे वाली चुड़ैल ऐसा नहीं है, ऐसा अगर पता हुए एक मिनट में खींच के निकाल के बाहर खींच तेरा पता भाई, ये जो है तो ये बयान कर दिया इसने कि जादू को मैं अलग कहीं से नाम है बता उसने, और ये ऐसे जाने वाला नहीं है, इसको जला जला के राख करना पड़ता अमल के दौरान में अमला करके। और दूसरी बात के ये एक दूसरों पर जादू टोना करना, ये हसद, ये जलन, ये क्या है, ये ऐसा ये सब दास्तान है, और वो तो खुद बताया कुछ जमीन जालत के दुश्मन आते क्या क्या है एक्स वाई जेड जो भी है, तो उसकी जबानी। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भीख, ऐसी बात है। अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम ये सब चीज़ों में फंस जाएंगे, फंस के ख़त्म हो जाएंगे तब और बार ऐसा होगा कि हमें तो अपनों ने लूटा पड़ा था ना उसने गैरों में कहा था, वैसी बात हो गया अली जमाने में दौर में, तुम्हारे को लूटने वाले तुम्हारे अपने छो गए लूटे रहे और तुमको काटने वाले तुम्हारे अस्तीन के सांप हो गए, तो इसलिए बेहतर है कि अब तुम्हारी कौन हिफाजत करेगा सिवाय अल्लाह के, तुम सिर्फ अल्लाह को बोलो हर वक्त दुआ में, हर वक्त अल्लाह से दुआएं करो, हर वक्त दुआ मोमिन का हथियार है, अल्लाह ने तुम्हारे को ऐसे से दुआएं इनसे नवाजे वाला है कि वॉशरूम को जाने तक की इस्लाम में दुआ दिया नहीं, बाकी दुनिया के मेन मैंने तो आज तक सब धर्म के पढ़ा किताब है मगर उसके अंदर कोई धर्म में मैंने ऐसा नहीं पढ़ा कि वॉशरूम जाने की दुआ इस्लाम में दिया, इतना आला व अफजल मकाम है इस्लाम का, इतना आला व अफजल बयान नहीं कर सकते, तुमको हर चीज अल्लाह ने दिया उसके अंदर, तुम उस पर अमल करो अमल करो अमल करो, तुम अमल करेंगे तो बहुत ही तुम्हारे वास्ते फायदा होगा। और तुम नहीं मानेंगे ये बातों को, हम मानते नहीं ऐसा कहीं रहता क्या, जब बीतेंगी तो फिर तोबा भी कबूल नहीं होंगी, तुम्हारी तोबा कबूल नहीं हो सकेंगी क्योंकि तुमको सुधर बैठे तक और पता चले तक ये हो रहा क्या,
तुमसे दो कदम आगे चलते हो तुम्हारा काम बिगाड़ने के लिए। जादू कोना भला मतरा जो रहते ना, ये मैं तुमको इसलिए एक्सप्लेन करा रहा हूँ, ये तुमको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे को लाइव प्रैक्टिकल तजुर्बे है। मैं अगर नहीं बोलूंगा तो फिर तुम कौन बोलेंगे? और किताबों में लिखे आले तो तुम कहानियां किससे समझ के पढ़ रहे होंगे किताबों के बातों के? और मैं किताब में का नहीं बोलता, मैं लाइव बता रहा हूँ तुम्हारा। लाइव में मैंने जो बातें देखा, जो मैंने पूछाया पूरी दुनिया के सामने, और मेरे को जो सब चीजों के तजुर्बे एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से बताता हूँ तुमको। तो मेरा तुम सबसे बार बार यही कहना रहता कि तुम पहले से एक मामूल बनाओ। तुम अब कैसा होगा, हमें तो अपने से लूट रहे और अस्तिन में के सांप ही काट रहे। तो इसलिए बेहतर है कि जो अस्तिन में के सांप है तो इसके भी तो तुम सपेरे बनो, फिर उसको बीन पे ना चाहो। तुम्हारे पास में इतनी भरी इबादत की बीन दिया, इबादत तुम करो उसकी खिलात से, देखो फिर ये कैसे भागते हैं सब चीजें। तुम्हारी जबान अगर पढ़ने वाली बन गई, तुम अगर दुआ मोमिन का हथियार है, हर वक्त तुम दुआ पढ़ के लिए खाएंगे, दुआ पढ़ के सोएंगे, और एक मामूल बनाओ दिन निकलने के वक्त सूरह यासीन एक बार पढ़ो बाद नमाज फजर के, और सूरज डूबने के बाद एक बार सूरह यासीन पढ़ो। कसम खुदा की कोई जादू टोना और ना कोई दुनिया की जहमत तुमको दे सकेगा, ना दुनिया की कोई वबा आके तुमको जहमत दे सकेंगी, ना कोई आसमानी वबा आके तुमको जहमत दे सकेंगी, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत की फिर उस रब ने ठान लिया जिसके सब हुक्म के गुलाम है। अल्लाह के तो हुक्म के जानदार भी गुलाम है और बेजान भी गुलाम है। तो इसलिए बेहतर है कि तुम अपने रब को कहो, अपने रब से कहो। कोई जादूगर के पास जाके मत बोलो हमारी हिफाजत कर मियाँ, जादूगर कितना भी तुम्हारी हिफाजत करने के वास्ते ठान लेगा, उनके दांतों से जमीन खुरदते हुए भी चले जाएंगे जादूगर, तो भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता जब अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की ठान लेगा। इसलिए अल्लाह को दो अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी, सूरह यासीन पढ़ो बाद नमाज फजर के, तो शाम तक अल्लाह ने वादा करा अल्लाह सूरज डूबे तक हिफाजत करूंगा, और सूरज डूब जाने के बाद अल्लाह का एक बार सूरह यासीन पढ़ो अल्लाह के वास्ते, सूरज निकले तक अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। फिर ना कोई आग, ना हवा, ना पानी, ना शैतान, ना जिन, ना भूत, ना दुनिया की वबा, ना भला, कोई तुम्हारा जहमत नहीं पहुंचा सकती। ये सब चीजों से तुम महफूज रहेंगे। और तुम जादू चलने के बाद, जादू की मार पड़ने के बाद, बलाएं तुम पर मुबल्लिस होने के बाद, तुम्हारे ऊपर बलाएं क्या बोलते थे हावी होने के बाद, तुम जाएंगे इबादत की रस्सी को थामने को, तो तुमको रस्सी पकड़ने नहीं देते शैताना बलाएं, तुमको मार पड़ती है तुमको इबादत नहीं पढ़ने देते, करने नहीं देते। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पहले से ही मामूल बना के रखना। तुम पहले से अगर मामूल बना के रखे तो कौन जादू चलेगा? चलो मैं तुमको एक मिसाल बताता, आज अगर तुमने सुबह में बाद नमाज फजर के एक बार सूरह यासीन पढ़े और सूरह यासीन पढ़कर तुम चले गए, अपने आप ऐसा बोलकर पढ़े कि अल्लाह तेरे इब्जोमान में हमको रखे, तेरे वास्ते पढ़ रहे, बोल के पढ़ो और पढ़ के जाओ तुम, फिर उस दौरान में तुम पर कोई भी जादू टोना चला देगा तो क्या उन्हें चला सकेगा जादू टोना? क्या उसका जादू टोना चल सकेगा तुम्हारे ऊपर? और चल भी गया गलती से तो हटाने वाला कौन है फिर? किसने आज तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी लिया लिए? आज सुबह फजर में किसने वादा करे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदारी का? सूरज डूबे तक, सूरज डूबने के दौरान में अगर किसने तुम पे जादू चला दिया तो उन्हें हटाने वाला है ना, हटा भी देता और उसको ऐसे फटके देने लगा था जिसने जादू चलाया, उसकी तौबा कबूल नहीं होने देता। तुम्हारा रब रब्बुल आलमीन सबका रब, समझ गए ना? तो इसलिए अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी अपने रब के हवाले करो, अपने रब के हवाले। तुम अपने रब के हवाले करेंगे तो फिर तुम कोई जहमत नहीं पहुंचा सकेंगे। कोई जादूगर, उन्हें जादूगर उसके बाप इबलीस को भी ला लेंगे और इबलीस उसका दबाव जमीन से भी खुकरेगा, क्या भी खुकर लेंगे दांतों से, तो भी उसका जादू टोने का कुछ फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने अल्लाह को अपने आप को सौंप दिया है। कब तक सौंपे? सुबह में फजर में सूरह यासीन पढ़े तो सूरज डूबे तक अल्लाह की हिफाजत में, और सूरज डूबने के बाद तुमने अगर इबादत कर ली फिर और एक बार सूरह यासीन पढ़ के बोल दिया अल्लाह तेरे अमान में मगरिब के बाद, तो फिर तुम्हारा फजर तक हिफाजत अल्लाह करेगा। उस दौरान रात में भी कोई तुम पे जादू नहीं चला सकता और दिन में अल्लाह के वाले करेंगे तो दिन में भी नहीं चला सकता। 24 घंटे तुम अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे, और तुम जब अल्लाह के हिफ्ज़ अमान में रहेंगे तो कौन है जादूगर? है कोई जमीन और आसमान में ताकतवर जो अल्लाह के सामने खड़े रह सके, जो अल्लाह से जंग कर सके? कोई पूरी दुनिया मिलके भी, कोई भी मिलके अल्लाह से नहीं कर सकते, किसी की औकात नहीं है कुदरत के सामने किसी की हो तो अल्लाह की तो इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी मिसाल कोई बयान नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा के हुक्म के बेजान और जानदार सब गुलाम है। कुदरत जो है खुदा की, मखलूकात जो 18,000 बनाया, जो नियामतें बनाया, उसमें से एक मामूली चीज से पंगा नहीं ले सकते। तो खुदा से तो छोड़ दो पंगा लेना, कौन जाके क्या बोलते तुम आपको फिर जहमत दे सकेगा? जिसने सबको बनाया, जिसने जादू को तक पैदा करा, जिसने जादू टोने को शैतान को तक पैदा करा, तो वो तुम्हारी हिफाजत करेगा तो फिर के जादूगर का जादू चल सकेगा? ये जादूगर के पास जाना गुनाह है, शिरकों में शामिल होते बातें। और गैरुल्लाह जो बोलते हैं ना, गैरुल्लाह के पास जाके नहीं मांगना तो वो जादूगर है, जादूगर के पास जाके नहीं मांगना। अल्लाह वालों के दर पे जाओ, वहां जाने से तुम्हारा ईमान मजबूत और ताजा हो जाता,
और दूसरी बात अल्लाह वालों के सोबत में एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत का सवाब है, और जादूगर के पास जाना तो फिर उसका अपोजिट भी होगा ना, कि तुम्हारी 60 साल की इबादत चंद लम्हे में एक लम्हे के अंदर मिटा दी जाएगी। ये सब बातों पे अमल करो, और ये सब बातों पर तुम अमल करेंगे और हदीस पर और कुरान पर अमल करने की तौफीक तुमको अगर अल्लाह देगा और तुम अल्लाह से मांगे लेंगे तो फिर तुमको ये सब बातों से, दुनियाई आफतों से, बलाओं से, सबसे महफूज रहेंगे। और मैंने आज तक देखा आधे से ज्यादा दुनिया के अंदर ये सब जादू टोने से ही इंसान को परेशान करते, और मौत से पहले, मौत इंसान की नेचुरली जो डेथ होती, नेचुरली जो उसकी उम्र होती बहुत लंबी रहती, तो वहां तक नहीं जान दे रहे, पहले ही जादू टोने से मार देते हैं लेकर के। और मौत से पहले भी तो अल्लाह ने मौत रखी है, हराम मौत है, शहादत की मौत है, ऐसा नहीं है, मौत से पहले भी तुम मौत है, पढ़ो। तुम्हारे पास इल्म रहेगा तो इल्म समंदर है, कोई तुम्हारे को बहका नहीं सकेगा, और तुम्हारे पास इल्म नहीं रहेगा तुम्हारे को यूं घुमा देंगे, बेवकूफ बना देंगे तुम्हारा, कौन फितना रंगेज जो लोग हत्या फितने फैलाने वाले दिन में दुनिया में तुम्हारी जिंदगी में हर जगह अलग अलग फितने फैलाने वाले लोग, तो वो तुम्हारा घुमा के तभी बर्बादी में डालिए, खत्म कर देंगे, गर्क कर देंगे। और कोई जादूगर के और इलाज वाले के पास जाना तुम्हारा तबाह बर्बाद कर देता हूँ, तबाह बर्बाद। आता नहीं उसको कुछ, कोई इल्म नहीं आता उसको, कोई बैंगन नहीं मालूम उसको, मगर बड़े बड़े बातें करके तुम्हारे से पैसे ले लेता और तुम्हारे को धीरे धीरे तबाही में लगाते जाता, उन्हें जो भी करने जाता, क्योंकि जादू से फैज नहीं मिलता, जादू से उल्टी नौसत में तुम ज्यादा घिरते जाते। अब तुम बोलेंगे चिक्कड़ में उतर के हम चिक्कड़ साफ करेंगे, गटर में उतर के गटर आम को छीटे गटर के लगे वाले साफ करेंगे, पानी से गटर का जो गटर लगेगा ना तुमको गलाजत तो पानी से साफ होंगी, और पानी जो है तो वो रहमत बन के बरसता अल्लाह की तरफ से। मिसाल बता रहा हूँ मैं, गटर एक मिसाल दे रहा हूँ कि जादू के मान, और वहां के छीटे उड़ के तुमको लगे तो तुम बोलेंगे नहीं वो गटर निकालने वाले के पास ही हम अंदर जाके उतर के गटर निकालेंगे, तो और तुम इतने डूब जाएंगे गटर में, यानी कि चार छीटे थे अब तुम्हारे पूरे घुटने तक गटर में डूब गए, तो ऐसा होते होते गर्दन तक डूब जाएंगे और बाकी पूरा गर्क हो जाएंगे उसके अंदर। इसलिए समझो और संभलो और संभल कर इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो और अल्लाह से दुआ करते रहो जमान की, उसकी हिफाजत में रहो, ये वबाओं से अल्लाह तुमको महफूज रखे। बाकी मेरे को तुम्हारे से कुछ लेना देना नहीं, हम किसी से कुछ लेना देना, मगर ये मेरे को बताना भी तो वाजिब है ना तुम लोगों को ये सब बातें, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा तुम्हारे को। तुमको गुमराह करने वाले तो बहुत बैठे वाले, शिर्क करा दे रहे तुम्हारे से, तुम जहाँ नहीं जाना जहाँ शिर्क है वहां चले जा रहे तुम, गैरुल्लाहों के पास, काफिरों के पास, बुत परस्तियों वालों के पास में सब आके बोलते ना मेरे पास, नहीं रिकॉर्डिंग में पूछा वाला भी मैंने, तो ये सब बातों से बचो, बाज आओ। इतनी बड़ी किताब अल्लाह ने तुमको दिया आला है कि जिस पर पूरा कायनात का निजाम चल रहा, सारे कायनात होगा किताब पर, वो इतनी रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किताब आप पर नाजिल फरमाया कुरान शरीफ, कि जो सारे नबियों ने ख्वाहिश कर दी कि अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही बनाकर फैला कर, इतनी बड़े दर्जात दिया ले इस दौर के उलमाओं को अल्लाह ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलमा दीन को, कि मूसा दर्जात में उनके दर्जात में इतने बड़े बड़े दर्जात है क्या मालूम है, और तफसीलों में तो पता चलेगा। और वलियों को कभी बुरा नहीं बोलना, लास्ट ये बोल के खत्म करूंगा मैं, कि अल्लाह ने फरमा दिया कि जो मेरे वलियों के बारे में जरा भी बुग्ज़ रखता अपने दिल में तो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाए, अल्लाह उससे खुले जंग का ऐलान करता, जीत सकते अल्लाह से नहीं जीत सकते। तो इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को थाम लो, मजबूती से थाम लो, और अपने आप को अपने रब के हवाले कर दो, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने वाली जबान बनाओ, मामूल बनाओ, टाइम बनाओ। तुम जब अपने रब के हवाले हो जाएंगे तो फिर हिफाजत की उम्र ठान लेंगा, तो फिर है कि किसकी ताकत, सातो जमीन और आसमान में तुम्हारा कुछ जहमत दे दे, देख लिया ना तुमने, वाकई पढ़ो पता चलेगा कैसी हिफाजत करता अल्लाह। तो फिर सब बातें उसे अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा तुमको अमल करने की तौफीक दे। चलो रोको।